आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में मौजूद है विश्व की सबसे छोटी कुरान शरीफ। जी हां, माचिस की डिब्बी से भी छोटी। इस कुरान की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मोटी है। ये अरबी भाषा में लिखी हुई है, जिसकी लिखावट सोने के पानी से है, जिसे लेंस के माध्यम से पढ़ा जाता है। पिछले कई पुष्टों से इस परिवार में ये कुरान शरीफ है, जिसे बहुत ही संभाल कर ये परिवार अपने पास रखे हुए हैं। रीवा के मन्नान मस्जिद के पास रहने वाले मरहूम अनवारुल हक के परिवार के पास है इस्लाम धर्म में आस्था की प्रतीक विश्व की सबसे छोटी कुरान शरीफ। इस कुरान की खासियत यह है कि लंबाई चौड़ाई बेहद छोटी होने के बावजूद ये सोने के पानी सी लिखी हुई है। इस कुरान शरीफ के ही कवर में लगे लेंस से इसकी आयतों को आसानी से पढ़ा जा सकता है। मरहूम अनवारुल हक के परिवार में पिछले 7 पुश्तों से ये कुरान शरीफ है, पर ये उनके परिवार में कैसे आई इसका पता किसी को भी नहीं है। ये छोटी कुरान शरीफ उनके परिवार में 2 है। इसकी खासियत ये है कि ये माचिस की डिब्बी से भी छोटी है और एक माचिस की डिब्बी में 2 कुरान शरीफ आ जाती है। इसकी लिखावट सोने के पानी से है और ऊपर से चमड़े का कवर है। इन्हें ये तो नहीं पता कि ये उनके परिवार में कहां से आई, लेकिन पिछले 7 पुश्तों से उनके परिवार में यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और वो इसकी हिफाजत करते चले आ रहे हैं। तीस पारे के इस कुरान शरीफ में वे सारी आयतें लिखी हुई हैं जो एक बड़ी कुरान शरीफ में लिखी होती हैं। ये कुरान शरीफ इतनी छोटी है और इसके शब्द इतने छोटे हैं कि इसे खाली आंखों से नहीं पढ़ा जा सकता। कई लोग इनके घर के बाहर से भी इस छोटी कुरान शरीफ को देखने के लिए आते हैं। यहाँ के बच्चे भी इसे बहुत उत्साह से पढ़ते हैं। इस घर के लोग अपने पुरखों की इस धरोहर को 7 पुश्तों से सहेज कर रखे हुए हैं और इसे आगे भी रखते रहेंगे। मरहूम अनवारुल हक के पास यह कुरान शरीफ 2 प्रति में है। उनके बुजुर्गों के बताए अनुसार यह विश्व की सबसे छोटी और दुर्लभ कुरानों में से एक है और पीढ़ी दर पीढ़ी से उनका परिवार के पास ये कुरान शरीफ है, जिसे बहुत हिफाजत से ये परिवार उनके पास रखे हुए हैं। ये छोटी कुरान शरीफ आपके यहाँ कितनी पुरानी है? ये हमारे यहाँ करीब 7 पुस्तों से है और जिसको हमारे बुजुर्गों के द्वारा हमको मिली और हम लोग इसको बड़े संभाल के और सहेज के रखते हैं, जिसको लेंस के माध्यम से पढ़ा जाता है। हमारे वालिद हाजी मरहूम अनवारुल हक साहब ने हमको दिया और इसको समय समय पे हम लोग पढ़ते रहते हैं। ये कुरान मजीद की खासियत ये है कि इसकी जो ऊपर की जिल्द है वो सोने की पॉलिश से है और तमाम पारों में सोने की पॉलिश चढ़ी हुई है और इसको बाखूबी लेंस के जरिए पढ़ा जाता है। और हमारे यहाँ 7 पुस्तों से ये कुरान शरीफ मौजूद है, जो दुनिया में हमारे ख्याल से सबसे छोटी कुरान है। एक माचिस की डिब्बी में 2 कुरान शरीफ आ जाएंगी और इसकी खासियत ये है कि ये हाथ से लिखी गई है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि हाथ से लिखी गई है और जिसके 30 पारे पूरे हैं, मुकम्मल हैं। ये कुरान पाक हम लोग को 7वीं पुस्त है। हम लोग इसको संभाल कर रखे हुए हैं और इसको लेंस के द्वारा पढ़ा जाता है। ये एक माचिस के डिब्बे में 2 आ जाती हैं और ये सोने के हरूफों से लिखी गई है और इसका जिल्द भी सोने के हर पानी से बना हुआ है। कितनी पुरानी है ये, कैसे है? ये हम लोग उनकी 7वीं पुस्त हैं। हम लोग के यहाँ ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और इसको हम लोग सहेज के रखे हुए हैं और समय समय पर पढ़ते हैं।